नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शनिवार को एग्रीको स्थित उपश्रम आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इसके अलावा उपश्रम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए एवं उनके उचित वेतन दिए मिलने चाहिए। कंपनी द्वारा चिन्हित ठेकेदारों को उनकी पूरी पीएफ राशि का भुगतान किया जाए। जमशेदपुर की सभी कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय मजदूरों को उनकी मेहनत की पूरी राशि मिले। स्थानीय लोगों को कंपनी की नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये जमशेदपुर उद्योग नगरी है। उद्योग नगरी होने के बावजूद यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। कंपनी यहाँ के स्थानीय युवाओं को अनदेखी करके बाहर से ला के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। आज आप देखें, कल्याण नगर है, छाया नगर है, बाबूडी है, बागुन हाथू है, बागुन नगर है, वहाँ पे घर दिला के फर्जी माने आधार कार्ड बना के और वहाँ के स्थानीय युवा को नहीं रोजगार देते, बाहर से लाके युवा को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग ने उप श्रम आयुक्त से मिलके आग्रह किया, विनती किया, अब इसमें जांच कराइए। अगर यहाँ कोई ध्यान हमारी बातों को नहीं देते हैं तो आने वाले दिनों में कार्यालय को ताला मार के बंद कर देना काम करेगा भारतीय जनता युवा मोर्चा, क्योंकि युवा विरोधी सरकार जो युवाओं को ठग के छल के सत्ता हासिल करने का काम की, युवाओं को बड़ा बड़े वादा किए थे कि अगर हम सत्ता में आए तो 5 लाख युवा को प्रति वर्ष रोजगार दिलाएंगे और जब तक रोजगार नहीं देंगे बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना रोजगार दिए, ना बेरोजगारी भत्ता दिए और स्थानीय कंपनी भी युवाओं का अनदेखी करने का काम कर रही है। सीएसआर फंड के तहत क्षेत्र का विकास होना चाहिए लेकिन कंपनी द्वारा क्षेत्र का विकास भी नहीं किया जा रहा। वही सब को लेकर आज हम लोग ने आज उप श्रम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपने आए। अपना परिचय। अमित अग्रवाल, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर। को लेके क्या कहा गया? भारत सरकार और झारखंड सरकार के जो श्रम विभाग हैं और उनकी पीएफईएसआई की जो विसंगतियां हैं, मजदूरों को पेमेंट में जो विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को लेकर झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर सभी नियोजनालय, सभी श्रम कार्यालय जितने हैं सभी जगह जाना है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के। उसी के तहत जो जन समस्याएं इस विभाग से संबंधित है, मजदूरों की समस्याएं जो इस विभाग से संबंधित है, उनके बारे में एक हम लोग ज्ञापन यहाँ के श्रम अधीक्षक जी को सौंपे हैं और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में यथाशीघ्र सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे और जिन समस्याओं के निराकरण के उपरांत भी जो समस्याएं बच जाएंगे उनके जो भी जन संघर्ष करना है भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसी के तहत आज हम लोग आए हैं और आगे भी जन जागरूकता और श्रमिक हित को ध्यान में रखते हुए हम सारे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्थानीय कंपनियां भी सीएसआर के तहत जो उनको जन सेवा का काम करना है, अपने बस्तियों में, स्लम बस्तियों में जो करने हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मजदूरों के हित में भी जो कामें करनी है, जो उनके दायित्व है, उन सब से वो आंख मुदे बंद कर लिए हैं। उनके आंख खोलने के लिए, क्योंकि अब हम लोग अपना आंख खोल रहे हैं और संघर्ष करेंगे, पहले आग्रह पूर्वक बात करेंगे, बात के बाद संघर्ष करेंगे। यदि नहीं हुआ तो उसका अंजाम भी कंपनी को बताएंगे कि जनहित से के विरुद्ध जाकर कभी भी उनकी कंपनी व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकती है। कंपनी चलाना है तो मजदूरों का भी हित दिखना है और कंपनी को अपना भी हित देखना है, साथ में देश का भी हित देखना है। हर जगह उनको तालमेल बनाकर रखना है। इन तालमेल में मजदूरों का हित कभी छोड़ना नहीं है, बस्ती की समस्याओं को छोड़ना नहीं। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।